कोरोना काल के चलते बीते वर्ष अप्रैल महीने से बंद हुए उधमपुर पठानकोट डीएमयू को भारतीय रेलवे ने सोमवार यानी कि आज सुबह से एक बार फिर से बहाल कर दिया है। सोमवार सुबह 7:45 बजे पठानकोट से डीएमयू जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंची। पहले दिन जम्मू पहुंची डीएमयू लगभग खाली थी। जम्मू रेलवे स्टेशन में मात्र 10 से 12 यात्री ही उतरे। पहले दिन इन यात्रियों की कोरोना जांच भी नहीं हुई। अलबत्ता रेलवे स्टेशन में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएमयू में सफ़र करने वाले यात्रियों के रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। वहीं डीएमयू के किराए में 50% से अधिक किराया बढ़ने से यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। यात्रियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है, अब किराया बढ़ने से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। अहो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश वड़ैल और इस समय हम उधमपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और रेलवे प्रशासन की तरफ से एक राहत भरी खबर जो है उधमपुर से जम्मू और जम्मू से पठानकोट के लिए जाने वाले डीएमयू पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए दी जा रही है। आपको बता दें कि आज से जम्मू और उधमपुर और पठानकोट के बीच में चलने वाली डीएमयू मुसाफिरों के लिए आज खोल दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 11 महीनों के बाद रेलवे विभाग की तरफ से आज डीएमयू को यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश बड़ियाल, बहो एक्सप्रेस न्यूज़, उधमपुर रेलवे स्टेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, राकेश बड़ियाल।